नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शादी के जश्न और कारोबार पर लगा कोरोना ग्रहण, अग्रसेन भवन बनेगा कोविड सेंटर, रेलवे कर रही खाना पूर्ति। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। शादी के जश्न और कारोबार पर लगा कोरोना ग्रहण। लंबे इंतजार के बाद फिर शुरू हुए शादियों के मुहूर्त पर फिर लॉकडाउन की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रशासनिक सख्तियों के बाद शादियां रद्द की जा रही है। ऐसे में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी शादियों और जश्न के कारोबार पर कोरोना का ग्रहण लगता नजर आ रहा है। पिछले वर्ष लगे लॉकडाउन के बाद शादियों के सीजन के बिजनेस पर पानी फिर गया था। कपड़ा, बर्तन, किराना, तेल, अनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स के बड़े बिजनेस पर मार पड़ी थी। साथ ही मंगल कार्यालय, लॉन, बैंड पार्टी, घोड़ा, लाइटिंग, कैटरिंग जैसे सीजनल कामों पर भी ब्रेक लग गया। इस बार भी यही हाल नजर आ रहा है। नवरात्रि के बाद शादियों के मुहूर्त शुरू हो गए थे। 13 अप्रैल से 15 जुलाई के दौरान 37 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। अप्रैल का महीना तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। शहर और राज्य में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मई में भी लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राज्य सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे में जून और जुलाई के 2 महीनों में ही कुछ उम्मीद बची रह जाएंगी। 20 जुलाई के बाद 15 नवम्बर तक शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के मुहूर्त नहीं रहेंगे। तो वही दूसरी ओर अग्रसेन भवन बनेगा कोविड सेंटर। संभाग के भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जिलों से भी कोरोना के मरीज नागपुर लाए जा रहे हैं। नागपुर में अब कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वाटोड़ा परिसर के सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉल, गांधी बाग, अग्रसेन चौक और रविनगर स्थित अग्रसेन भवनों को कोविड सेंटर व DCHC बनाने के लिए अधिग्रहित किया है। जल्द ही कार्य शुरू होने की जानकारी मनपा आयुक्त ने दी है। तो वही तीसरी ओर रेलवे कर रही खाना पूर्ति। कोरोना मरीजों को आइसोलेशन में रखने के लिए 11 विशेष आइसोलेशन कोच की मांग किए जाने के बाद रेलवे और जिला प्रशासन के बीच इस संदर्भ में समझौता होने का दावा रेलवे ने किया है। यहां तक कि जिला प्रशासन को जल्द ही कोच उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। किंतु 29 अप्रैल को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में कोरोना महामारी और इसके उपायों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान रेल विभाग की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने 29 कोच उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मनपा आयुक्त को इस संदर्भ में जल्द ही कार्यवाही पूरी कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। किंतु अब रेलवे की ओर से 11 विशेष आइसोलेशन कोच देने की जानकारी उजागर की जा रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक, ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।